सॉलिड लेड बॉल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो, जब एक चीज को आप रिकास्ट करते हो दूसरे में, तो अगेन मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस कि वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सॉलिड लेड बॉल है तो ऑब्वियसली द शेप इज स्फीयर, जिससे मेल्ट करके एक वायर बनाई गई। तो जब आपकी कोई वायर बनती है, यू नो दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, उसका एक बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है एंड देन उसकी लेंथ होती है। तो इट मींस जो बॉल है उसको रिकास्ट किया गया इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और उसका जो डायमीटर है वो हमें 0.2 सेंटीमीटर गिवन है। वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मीन्स वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, सॉलिड लेड बॉल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अ सॉलिड लेड बॉल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इन टू अ वायर, वॉज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर मीन्स वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लेड बॉल जो है, इट मीन्स वी आर गिवन द शेप ऑफ अ स्फेयर, जिसका जो है मुझे डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इट मींस जो रेडियस है वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। दिस इज रिकास्ट इनटू अ वायर व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसका अगेन मुझे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस मुझे गिवन है 0.2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ यानी कि हाइट जो है दैट आई हैव टू कैलकुलेट। रिकास्ट हो रहा है यानी कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है वायर की, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो मुझे गिवन क्या है, रेडियस डायमीटर गिवन है स्फेयर का, फोर्टीन सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गया इसका, कैपिटल आर ले लिया मैंने, दैट इज 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। एंड देन द रेडियस ऑफ वायर दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के लिए हमने जो रेडियस है स्मॉल आर लिया, एच हमने लेंथ ऑफ वायर ले ली, सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमने सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब एच की वैल्यू हमें निकालनी है, एच को इधर रहने दो, तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट करो एंड देन सिंपलीफाई एंड गेट योर आंसर। आर इज 7, 3 × r स्मॉल जो है दैट इज 0.2। पॉइंट्स आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है एक तरह से, विद 1 डेसिमल प्लेस आफ्टर इट, तो 100 ऊपर लिख दिया। अब ये आपका 2 2s 4 कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, यू नो दैट इज 343 इंटू 100 अपॉन में 3, यस दिया।
यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ अच्छे जस्ट अ यस मोमेंट। मैम, हाँ जी मैम 114.33 सेंटीमीटर। अपॉन में डिवाइड कर दिया आपने इसको 3 से। यस मैम, विद मी द आंसर इज डिफरेंट। एनीवन एल्स जस्ट अ मोमेंट रमनीक पाने का वेट। वन बाय वन यू विल सी सेम आंसर, दिस इज 114.33 आई एम ऑल्सो पॉइंट। गेटिंग सेम आंसर। ओके विद मी द आंसर इज डिफरेंट बिकॉज यहाँ डायमीटर गिवन था मैंने रेडियस लिख दिया था। तो ओके इट्स फाइन योर आंसर इज करेक्ट। सो दिस विल बी 343003। कितना आया ये आपका 11। वेट 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 यस बच्चे पानी का यस मैम, इट इज 114.33। वन वन फोर 343003 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे। कैलकुलेटर इट इज दोबारा से थ्री 11,433.33 सेंटीमीटर्स। आप इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो देन इट विल बी 114.33 मीटर्स। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। जो एक्चुअल में स्टेटमेंट थी वहां पे ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायामीटर गिवन था इसलिए मेरे पास आंसर डिफरेंट आ रहा था। हमने क्योंकि यहाँ रेडियस लिया है तो दिस आंसर इज करेक्ट। दिस इज 114.33 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो दिस विल बी 11,433.33 सेंटीमीटर्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस हैव इक्वल वॉल्यूम्स। अब हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एक स्फीयर गिवन है और एक सिलेंडर गिवन है जिनका रेडियस सेम है जिनके वॉल्यूम्स सेम है। बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स हाइट। कितनी परसेंटेज से जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो उसकी हाइट को एक्सीड कर रहा है। सो हमें जो है परसेंटेज निकालनी है डायमीटर की हाइट जो है वो कितनी एक्सीड कर रही है उसकी रेडियस को। सो वी आर गिवन अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऑफ सेम रेडियस एंड सेम वॉल्यूम्स। बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर बाद में 130 आफ्टर 130। हाँ जी ऑफ द डायमीटर बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। हमें जो है गिवन है इसका डायमीटर जो है बॉल का वो हम एज्यूम कर लेंगे। हमें क्या गिवन है कि रेडियस जो है स्फेरिकल का और सिलेंड्रिकल का जो है आपको शेप्स गिवन है दोनों के रेडियस सेम है और जो वॉल्यूम्स हैं वो सेम है। तो हमें पता है जो हमारे पास स्फेयर है उसमें सिर्फ डायमेंशन रेडियस होता है जो सर्कुलर है उसमें रेडियस एज वेल एज हाइट ऑल्सो वी आर हैविंग।
जो इसका सिलेंडर का हाइट है वो हम रेडियस की टर्म्स में निकाल लेंगे एंड देन हम उसका जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करेंगे. सो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर यूनिट. यूनिट हमें नहीं गिवन, तो यूनिट्स की फॉर्म में हम इसको ले लेंगे. अब क्योंकि स्फीयर का रेडियस सेम है, हमें गिवन है बोथ ऑफ दीज आर हैविंग द सेम रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर विल ऑल्सो बी आर. लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको हम एच यूनिट्स मान लेते हैं. अब सेकेंड कंडीशन उसने हमें क्या दी है, एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम्स सेम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो दोनों के वॉल्यूम्स के हम यहाँ पे जो है फॉर्मूलाज लगा देंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच, आर स्मॉल ही लेना है यहाँ पे भी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में भी आपने उसको स्मॉल ही लेना है. तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद एच इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स आर, यानी कि जो हाइट है दैट इज 4/3 टाइम्स द रेडियस. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो परसेंटेज इंक्रीज है इन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीज्ड डायमीटर फ्रॉम द हाइट ऑफ सिलेंडर. सो इंक्रीज्ड डायमीटर फ्रॉम हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब है कि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हाइट में, क्योंकि हमें बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट निकालना है. तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर हम लिख लेते हैं 2r, क्योंकि रेडियस r है. तो अब ऊपर हम इनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दैट इज 2r माइनस 4/3 r. एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास इंक्रीज्ड डायमीटर जो है वो आ गया 2/3 r, यानी कि रेडियस का 2/3 जो है डायमीटर को इंक्रीज किया गया. अब परसेंटेज इंक्रीज हमने निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज यू नो दैट इज ऑलवेज टेकन अलोंग विद द ओरिजिनल वन. तो एक्सीड्स इट्स हाइट था तो अपॉन में आप हाइट लोगे. तो परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर इंक्रीज डायमीटर इंटू 100% डिवाइडेड बाय हाइट के साथ, क्योंकि हम ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4/3 r. सो r बाय 3 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 2s r, दिस इज 2 50s r. कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से कर लेना, अपनी मर्जी से कटिंग कर लेना, आंसर आपका और मेरा जो है वो टैली करेंगे. सो आंसर आ गया हमारा 50%, यानी कि जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है that exceeds its height by 50%. So diameter of cylinder exceeds the height by 50%. So this was your question number 3. If any doubt is there, you can ask your doubt in any of the steps if any doubt is there. For today we are doing the last question of this chapter. Otherwise, from my side, almost all types we have discussed. So the next is simple hai, ye bhi jyada tough nahi hai. Prove that the volume of the largest right circular cone that can be fitted in a cube whose edge is 2r equals to the volume of hemisphere of radius r. Hamein kya given hai? हमने प्रूव करना है कि एक क्यूब के अंदर जितना लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन हम जो है फिट कर सकते हैं उसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर. और हमें जो गिवन है एज ऑफ क्यूब वो 2r गिवन है. सो यहाँ पे अगेन जब आप देखोगे, कल भी आई थिंक हमने ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था या हम पहले भी कर चुके हैं, जब एक क्यूब में हम फिट कर रहे हैं एक सिलेंडर को
जिसका हमें क्या चाहिए, विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम. तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो कोन की हाइट बनेगी दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो जब हम उसको सामने से देखेंगे तो वो हमें जो क्यूब है वो इस तरीके से दिखेगा. तो इट मींस जो हाइट ऑफ द क्यूब है दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. जो कोन है, हाइट ऑफ द कोन जो है दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. और जो डायमीटर ऑफ द कोन है दैट इज अगेन इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो ऊपर टच करेगा ये. सो दिस इज 2r एंड दिस डायमीटर इज अगेन 2r. हाइट भी 2r है और जो उसका रेडियस है वो भी 2r है. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन largest right circular cone that can be fitted into a cube that can be fitted into a cube of edge 2r equals to the volume of hemisphere hemisphere of radius r. अब देखो volume of hemisphere with radius r. That is 2/3 pi r cube. यानी कि मुझे volume of cone को prove करना है that is equal to 2/3 pi r cube. अब यहां से मेरे पास आ गया जो diameter of cone है that is 2r. तो रेडियस हो जाएगा आर, हाइट अगेन 2r और वॉल्यूम मुझे निकालना है इसका. तो वॉल्यूम ऑफ कोन उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, 1/3 पाई आर की जगह आर रहेगा और एच की जगह क्या आ जाएगा 2r. हाइट जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब विच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r. यही चीज हमें प्रूव करनी थी. सो दिस वी हैव प्रूव्ड. मेन जो इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए वो क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम एक लार्जेस्ट कोन किसी क्यूब के अंदर फिट करेंगे तो जो कोन की एजेस होंगी, कोन की एज से बाहर वो क्यूब आपका नहीं जा सकता. यानी कि जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब एंड जो मैक्सिमम बेस ये ले सकता है दैट इज अगेन इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो डायमीटर ऑफ कोन एज ऑफ द क्यूब के इक्वल 2r, हाइट ऑफ द कोन एज के इक्वल टू 2r. जब आप फ्रंट से देखोगे तो दैट विल गिव यू अ लुक ऑफ दिस फिगर. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. Now we will start with the revision of polynomial. 5 minutes है हमारे पास, तो एक बार इसका जल्दी से मैं इंट्रो दूंगी आपको. सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम में से इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क. अदरवाइज पॉलिनोमियल्स एक बार इंट्रो दे रही हूँ मैं आपको इसका, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन मंडे. पॉलिनोमियल की सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसको आप कहते हो, हम वन वेरिएबल वाले ही यहाँ पे ज्यादातर उनके साथ ही डील करेंगे. पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, यानी कि इक्वल टू का साइन एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. सो
अब देखो क्या आएगा इसमें. सबसे पहले हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज ए जीरो एक्स टू द पावर वन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास आती है कॉन्स्टेंट टर्म. एक्स की मैक्सिमम पावर से शुरू होते हैं, पावर वन वन डिक्रीज करते जाते हैं, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स एक्स की पावर जीरो. एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज वन, तो वन से जब आप ए एन को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट वन. तो एक्स टू द पावर जीरो जो है इसको हम ऑमिट कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, और यू कैन से द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इसमें जो आपके ये ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन है, दीज आर द रियल नंबर्स. इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑल्सो, इरेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं. यानी कि दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. तो ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री जो है दैट बिलोंग्स टू आर, रियल आर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर. ये सिंबल है आपका बिलोंग्स टू, एंड दिस आर यू नो दैट इज रियल नंबर. आपने पढ़े हुए हैं रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, दैट इज कि जो ये आपकी एन की वैल्यूज होंगी, दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. एन जो है दैट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इंटेग्रल वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होगी, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए. नेगेटिव अगर होगी तो आप उसको कहोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है. देन अगेन, या आप पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, या फिर आप उसको कह सकते हो कि दैट इज अ होल नंबर. तो होल नंबर्स यू नो वो जीरो से स्टार्ट होते हैं आपके, तो वो भी इसको कवर करेगा. और यू कैन से एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें भी आपका जीरो जो है वो इंक्लूड हो जाएगा. देन जो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, दैट विल गिव यू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमने जो यहाँ पे डील करना है दैट इज फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की दैट विल बी वन, देन क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर विल बी टू, देन क्यूबिक हाईएस्ट पावर विल बी थ्री. तो 3 डिग्री तक ही मैक्सिमम जो है हमारे क्वेश्चंस बनेंगे. बाकी जो है हाईएस्ट पावर्स अगर 3 से ज्यादा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. हाँ, उससे रिलेटेड डिग्री फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, बट उनकी जो फैक्टराइजेशन है वो आपकी नहीं आएगी. तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. उसके बाद जो है कुछ इस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लाइक वी आर हैविंग अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स हमारे पास जो गिवन होगा, जो भी एक्सप्रेशन, दैट विल बी सम कॉन्स्टेंट. मान लो 7 हो गया, मान लो 109 हो गया, -113 हो गया. तो ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टेंट्स. अब ये क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब मुझे इनको पॉलिनोमियल बनाना है, तो दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7x⁻⁰, 109x⁻⁰. तो उस टाइम पे जो ये है, क्योंकि अब ये एक्स के साथ वेरिएबल के साथ आ गए, तो ये पॉलिनोमियल बन गए. तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. तो कोई भी अगर मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन होगी, तो आई कैन से कि दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, दैट इज ऑलवेज, डिग्री ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. तो कभी भी आपको जब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो उसकी जो डिग्री है वो आपने हमेशा रखनी है 0. जस्ट सो आई होप दिस वन इज क्लियर. अच्छा, इसी के साथ एक चीज आपने और ध्यान रखनी है. जब यहाँ हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो दिस कॉन्स्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है 0 पॉलिनोमियल, और जो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड. डिग्री इज
नॉट डिफाइंड, ये 1-1 मार्क में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अगर कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाती है देन दिस विल बी कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. उस केस में इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. अदरवाइज अगर आपको अदर देन जीरो कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसकी जो डिग्री आपने लेके चलनी है वो हमेशा जीरो लेके चलनी है. जीरो जो है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए होती है बिकॉज जीरो को मान लो एक बच्चे ने लिख लिया 0 × x^100, तो इस केस में वो बच्चा कहेगा कि इसकी डिग्री 100 है. दूसरे बच्चे ने क्या कहा, नहीं जी मैंने तो नहीं 100 लेना, मैंने ले लिया इसको 0 × x^90. उस केस में डिग्री बन गई 90. तो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम चले तो जितने भी बच्चों को हम ये देंगे हर बच्चा इसकी डिग्री जो है वो अलग निकाल लेगा. तो क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल की उसकी हम डिफरेंट डिग्रीज दे रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इसकी जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड. तो दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रो. रेस्ट ऑफ दिस वी विल डू ऑन मंडे एंड ऑन ट्यूसडे यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम.